अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज सिद्दीकी है। मैं क्वींसकर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारी स्पेशलिटी बेसिकली पीडियाट्रिक है एंड मटर्निटी है। हमारा 10 बेड का NICU भी है जो काफ़ी बेहतरीन है। उसमें 24/7 डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हमने अभी हाल ही में 800 ग्राम बच्चे को एकदम सक्सेसफुली मैनेज करके घर भेजा। हमारे पास NICU में बेहतरीन मशीनें हैं, लाइक प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए हमारे पास इनक्यूबेटर्स हैं। हमारी OT की जो मशीनें हैं वो काफ़ी लेटेस्ट है और हमारी OT में हर तरह की सर्जरी आप करवा सकते हो और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। थैंक यू। MIM पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है आज टोरेंट पावर के खिलाफ जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि टोरेंट पावर के खिलाफ लगातार जो है MIM पार्टी का विरोध प्रदर्शन जो है हो रहा था, लेकिन आज जो है बेमुद्दत जो है भूख हड़ताल पर MIM पार्टी के लोग बैठे हैं और अभी नमाज का वक्त हुआ है जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं। कलवा मुंगा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान और तमाम MIM के कार्यकर्ता वो नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम मांगों को लेकर जो है ये प्रमुख भूख हड़ताल है। जो छोटे छोटे बैनर लगाए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि MSEDCL के वक्त जिन अधिकारियों ने PD की है उन सब पर जांच कराई जाए और अब तक जितने ग्राहकों के मीटर नहीं लगे हैं उनके मीटर जो है लगाया जाए और ग्राहकों की मर्जी के बगैर जबरन मीटर बदली ना किया जाए। तमाम मांगों को लेकर जो है MIM पार्टी के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। फिलहाल अभी नमाज का वक्त है, ये सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें जो भूख हड़ताल पर MIM पार्टी के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं ये मेक कंपनी के सामने, दरअसल दमकल विभाग कार्यालय है उसके ठीक सामने ही यहाँ पर जो है ये भूख हड़ताल पर सभी लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल अभी फिलहाल नमाज का वक्त है इसलिए यहाँ पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुंबई शहर के अंदर सबसे प्राइवेटाइजेशन हुआ है टोरेंट का, ये टोरेंट लाइन आने की कंपनी आने के बाद से ना शहर के लोगों इतना परेशान है जो बिल को लेके PD बिल को लेके, जैसे कि आपको मालूम है कि ये लोग जो केस करते थे एक एक केस के ऊपर ये लोग 5-5 लाख रुपए का फाइन मारते। ये मुंबई रेसिडेंट एरिया कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है कि इतने फाइन मार रहे ये लोग। और हम ये कह रहे थे कि प्राइवेट जो आज PD की रिकवरी ये लोग कर रहे हैं तो PD की रिकवरी जब 1991 का भी केस आया 1991 का और प्राइवेटाइजेशन का भी हुआ 2018 के अंदर, तो हमारी ये मांग है कि मतलब MSEDCL उस वक्त कहाँ थी जब इतने साल तक का इतना PD पैसा बैलेंस बता रहे थे, तो उस टाइम क्यों नहीं लोगों सुन लिया, आज ये प्राइवेट कंपनी को क्यों दे। जैसे कि आपको मालूम है शहर का आमदार ये बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन कंपनी की ये टोरेंट कंपनी जो पठान है पठान रिकवरी करेगी, तो मतलब हम लोग क्या ब्याज पे ले रहे हैं? शहर तो बिल भरने को तैयार है और शहर बिल भर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो बिल जो सिस्टम होना चाहिए, आज आप बॉम्बे के अंदर चले जाइए कई ऐसे हमारे लोग हैं जिनके ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक की तीन तीन चार चार AC चलती है, वहाँ तो डायरेक्ट नहीं है ना, वहाँ पे भी 5,000 के करीब बिल आती है 4 AC पे। हमारे यहाँ मुंबई के अंदर आप 1 AC लगा लीजिए आपके घर में 6,000-7,000 बिल आएगी, तो ये कहाँ से सिस्टम सही है? उसके बाद जिस तरीके का टोरेंट कंपनी ने PD की वसूली कर रही है लोगों पे, एक तो तुम मीटर जो मीटर लेने जा रहा है तुम PD जब तक भरेंगे नहीं मीटर दे रहे नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि आप उसको मीटर दो ताकि आपकी लाइट चोरी नहीं हुए। हम नहीं बोल रहे हैं शहर के लोगों को बिना डायरेक्ट लाइट चलाइए, हम कुछ चाहते हैं कि लोग मीटर ले हुए जो लीगल बिल है लीगल तरीके से बिल भरे, लेकिन इस तरीके की दादागिरी की वजह से जो दादागिरी ये लोग कर रहे केस कर देना कट कर देना बिगड़ बताए, इसी तरीके से अभी जब इन लोग ने कार्रवाई यहाँ पे हुआ था रशीद कंपाउंड के अंदर देवरी पाड़ा में उनका इंतकाल हुआ, तो आज गर्मी का सीजन है लाइट कौन सा पेशेंट है कौन गरीब है कैंसर वाला कोई पैरालाइज वाला इनकी इतनी बड़ी मतलब ईस्ट इंडिया में इतना जुल्म नहीं की थी जितना टोरेंट कर रही है। देखिए हमारा कामयाब हो गए नहीं हो हमारी सोच, हम ये कह रहे हैं कि हमारे शहर में जो ना इंसाफी हो रही है हम उसके खिलाफ खड़े। आप शहर के लोगों को चाहिए, शहर के लोग जैसे कि मैं एक नगर सेवक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि रोज मेरे ऑफिस के ऊपर 15-20 आदमी लोग रोज आते हैं, किसी के लाइट का प्रॉब्लम है किसी का मतलब ये मसला चल रहा है कि मेरे पे फाइन मार दिए मेरा डायरेक्ट, तो अब उनको जरूरत है उनको आना आना पड़ेगा, शहर आएगा
शहर के लोगों का कहना है कि लाने वाले सब हम लोग का ही लाना था यहाँ पे। बिल्कुल, आप शहर के लोग कह रहे हैं तो MIM नहीं दे, MIM पहले दिन से विरोध हुआ, 2018 में भी MIM नहीं धरने में बैठा था, जिन लोगों ने लाया आप लोग क्यों उसको वोट दे रहे? शहर को मालूम है ना कि शहर के आमदार ने लाया या इन लोग ने लाया, तो आप उसके विरोध में बोलिए तो सही। सर ये मुद्दा जब उठाते हैं उसके बाद में मुद्दा खत्म होने के लिए सर पठान से भी बात करते हैं, क्योंकि कितने लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और दरअसल क्या क्या मांगे हैं इनकी वो भी बात करेंगे। सर पठान, आप कितने लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बता दें हम टोटल, देखो हमारी पूरी टीम यहाँ भूख हड़ताल पर है, सब लोग यानी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो भूख हड़ताल पे मुद्दे बैठे हैं वो 5 लोग हैं। हमारे कौन कौन नाम बताए? मैं हूँ, मेरे साथ हमारे लिसान अंसारी भाई है, शोएब डोंगरे भाई है, और मुशीर भाई है, नासिर भाई है, बाकी जो हमारी टीम है जो जैसे जावेद भाई है, शाह आलम भाई है, और भी जो टीम है कुछ वॉलेंटियर्स बन के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, कुछ यानी पत्र व्यवहार करना है जो संबंधित विभागों से वहाँ पर। क्या मांगने क्या क्या है? देखिए हमारी मांग नहीं है, पहले तो टोरेंट को रद्द किया जाए, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दियोशील दीवा मुमरा कलवा में उसे रद्द किया जाए, और अगर जब तक वो रद्द नहीं होता है, जैसे कि अगर उसके लिए कुछ वो लोग बहाना करते हैं कि कैबिनेट बिठाना पड़े या हमारा लंबा प्रोसीजर है, इतने लंबे प्रोसीजर से टोरेंट आई, तो जब तक उस पर लगाम लगाई जाए, तो वो हमने कुछ जो पेडी की वसूली है उसके खिलाफ हमने कहा है कि जैसा आरटीआई के थ्रू मुझे पता चला है कि 398 करोड़ यानी लगभग 400 करोड़ रुपया बकाया बाकी है, तो हमारा शहर कहाँ से बढ़ेगा इतना बड़ा बकाया? आप जानते हो कि जो TMC का सालाना बजट होता है वो भी जब हाई जाता है तो 2500 करोड़ तक जाता है, तो 400 करोड़ हमारा शहर कैसे बढ़ेगा? वो पूरे यानी पूरे मुमरा के लिए जो बजट आता है, जो उसका सुधारण के लिए, पूरे मुमरा के सुधारण के लिए, चाहे वो हर विभाग के लिए, तो 2500 करोड़ आता है, और 400 करोड़ बकाया बता रहे हो आप हमें, तो कैसा भरेगा हमारा शहर? पीडी का मसला हल नहीं होता, उसके ऊपर किस तरीके से रोक लगाए, क्या प्लान? पीडी की वसूली टोटली बेबुनियादी है। आप मुझे बताए कि पीडी जो आप हम तो बता रहे हो 400 करोड़ रुपया बकाया बाकी बता रहे हो, वो 400 करोड़ रुपया टोरेंट को क्यों वसूलने दिया आपने? इससे पहले MECDCL थी, आज लोगों से 1990 का बकाया मांग रहे हो, 92 का बकाया मांग रहे हो, 84 का बकाया मांग रहे हो, 2000 का बकाया मांग रहे हो, तो उस वक्त जो यानी MECDCL थी 2019 तक 20 तक, तो उसने उस वक्त क्यों नहीं मांगा? ये टोरेंट ही क्यों जबरदस्ती हमारे लोगों से पैसा मांग रही है? ये सब कोई बकाया नहीं है, ये इनके कर्मचारी MECDCL के कर्मचारियों का किया हुआ भ्रष्टाचार है, जिसका ढेगरा तुम हम पर फोड़ रहे हो, और यहाँ के जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उनको कमीशन दे रहे हो करके ये बकाया वसूला जा। MECDCL के इंचार्ज से, उसके अधिकारी, उससे भी आप लोग मुलाकात की, तो क्या कहा था उन्होंने? देखो जावेद भाई ने उनको घड़ी घड़ी लेटर देकर के अधिकारियों पे जांच बिठाने की मांगनी कही है, उनको सजा करने की मांगनी कही है, और कहा है कि उसके बाद ही आप हमसे पीडी की बात करिए, पहले आप खुलासा तो करिए कि भ्रष्टाचार किया उसने उस पे करा। तो उन्होंने 3 से 4 बार इनको जवाब में सिर्फ लेटर दिया कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन टोरेंट अपनी वसूली चालू रखा हुआ है। आज कितने लोग परेशान है, कितने लोगों के घरों के जेवर बिक गए, कितने लोगों के घरों के सामान बिक गए इसके बकाया चुकाने में, तो हम नहीं चाहते कि पूरा शहर इसके झांसे में आवे और इस तरीके का यानी एक ट्रैप में फंस करके बकाया भरे, इसके लिए हमने इसके खिलाफ। अच्छा ये बताइए कि जितने लोग 5 लोग बता रहे वो हड़ताल पर है, तो वही लोग कंटिन्यू रहेंगे या फिर उसमें कुछ लोग नए लोग जुड़ेंगे, बदली होते हैं? देखिए अभी 5 लोग हम लोग जो है वो कायम के रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक हमारी बेमुद्दत भूख हड़ताल चलेगी। उसके साथ जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो दोपहर के बाद हो या शाम से हो या कुछ लोग कल से जुड़ेंगे, ऐसा जो जुड़ना चाहेंगे शहर के भी लोग हमारी टीम के अलावा वो जुड़ सकते हैं। 5 लोग कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। जावेद भाई जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये काफी दिन से जो बात चल रही है वो हमारे शहर पठान जी ने सब तफसील से कर दिए, हमारे शहर की जो तकलीफ अभी इस फिलहाल है जो हो रही है उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें लिखित में दे दें कि भाई जब तक सरकार के टोरंटो के जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करके पीडी किया, पीडी का मतलब होता है परमानेंट डिस्कनेक्ट, जब परमानेंट डिस्कनेक्ट आपने कर दिए तो उसमें जंपिंग होके जो 17,000 एक एक आदमी का एक एक महीना का रीडिंग है तो वो पीडी हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारी मांग है कि जहाँ पे कनेक्शन नहीं है वहाँ पे कनेक्शन देना चाहिए, और जहाँ पे पीडी बोलते भरो तो कनेक्शन देंगे, अगर वो पीडी नहीं भरता है तो उसके ऊपर FIR होता है। अभी आपको मालूम है कुछ जो है FIR हुए तो उसके लिए हमारे शहर पठान ने तफसील आपको बताए हैं, और इंशाल्लाह जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वो अधिकारी इधर आएगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे। 5 लोगों में आप भी शामिल है, क्या कहेंगे इस धरने को लेकर?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि सदर साहब ने बताया हमारे कि ये बेमुदत हड़ताल जो हमने आज से इंशाल्लाह जो शुरू की है, इंशाल्लाह जब तक कायम रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। आज आप देख रहे जो शहर के हालात है हमारे मुंबरा कौसा के, एक आम आदमी जो रोज रिक्शा से जाता है, ट्रेवल कर रहा है, 12,000 से 15,000 उसकी पगार है। आज उसके घर में जो पहले जब एमएससीबी थी उसके घर में बिल आता था 600 रुपया 700 रुपया, बहुत बहुत 800 रुपया आता था, वही घर का आज बिल जो है 2,000 के ऊपर आ रहा है। तो एक आम आदमी कहाँ से कहाँ तक ये बर्दाश्त कर पाएगा, बस उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अपने आखिरी सांस तक हम लोग जरूर लड़ेंगे इंशाल्लाह।